हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आप BSTC 2022 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली क्लासेज अटेंड करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि 2022 में पूछे जा सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने। राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल हैं कौन कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं अपन। सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है हमारे आहड़। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल जो है दोस्तों, सोथी और कालीबंगा दोनों है। तो ऑप्शन हमारे सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी, राजस्थान में मिलने वाले जो पाक हड़प्पा स्थल है वो सोथी और कालीबंगा दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से कुंड, हल, रेखा, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन कालीबंगा, आहड़, सोथी, मिथल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे राजस्थान के कालीबंगा सभ्यता से कुंड, हल, रेखा तथा जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन सरस्वती, दुस्वती, गंगा और यमुना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हमारे सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में विदेह माथव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह माथव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का विवरण मिलता है। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इनकी जानकारी मिलती है, विवरण मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी बाद और बाद में वह सूख गई, वो कौन सी नदी है? ऑप्शन सरस्वती, द्रुंदवती, ए और बी दोनों, गंगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे वह यानी कि सरस्वती और द्रुंदवती दोनों जो नदियां हैं दोस्तों, राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी और बाद में सूख गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे ए और बी यानी कि दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर बेराट थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन देख लेते पहले, जयपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के दक्षिणी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे राजस्थान के जयपुर के दक्षिणी भाग में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा है जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वह वीरगति को प्राप्त हो गया, वह कौन था दोस्तों हमारे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विराट, चंड प्रद्योत, गोदावरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, हमारे राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा गया था और वो वीरगति को प्राप्त हुआ था, दोस्तों वो हमारे विराट था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन विराटनगर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, महिष्मती। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि पियदसी राजा मगध कहा है वो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन बाबू बेराट, मास्की, गुजरा और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे कंधार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे यानी कि बाबरू, एक बाबरू बेराट एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि पियदसी राजा मगध कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन जन्म, विवाह, मृत्यु या फिर मृत्यु भोज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे, आदिवासी लोगों में लीला मौर्य संस्कार जो है वो विवाह से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा जिला है? ऑप्शन प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे यानी कि प्रतापगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिसकी गुजरात से स्पर्श सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में बाड़मेर के, जालौर की और डूंगरपुर की, इन तीनों की तो दोस्तों सीमा स्पर्श करती है गुजरात से लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं करती, तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और मैंने भी कई बार इसको इस क्वेश्चन को रिपीट किया बार बार, तो ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन है झालावाड़, बीकानेर, अलवर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, राजस्थान के झालावाड़ जिले में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यारोह के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं अपन, बिजोलिया अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, कसवा अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, प्रत्यारोह के इतिहास की जो जानकारी है दोस्तों वो गठियाला अभिलेख से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बेराट, बालाथल और ऑप्शन है हमारे ए व ब दोनों और लास्ट ऑप्शन है हमारे गणेश्वर सभ्यता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, बेराट और बालाथला सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमारे इसका जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन है ए व ब दोनों राइट हो गए दोस्तों। तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे, अग्निकुंड यानी कि वेदिकाए के साक्षी प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य? ऑप्शन देख लेते हैं अपन, कालीबंगा, रेड, गणेश्वर या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे बालाथल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में।